गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, करेंसी प्री मार्केट एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है। आज है 6 दिसंबर 2023 वेंसडे एंड आई एम योर होस्ट आशीष बरुआ। आइए देखते हैं कि कल करेंसीज में क्या क्या एक्टिविटीज हुआ है एंड यहां से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कल डॉलर इंडेक्स में एक बाउंस बैक देखा गया था, फर्दर अप फ्रॉम 103.50 टू 104.09 तक, करेंटली 803.93। सो यहाँ पे थोड़ा सा बाउंस बैक करके सेंटर बैंड में आके रुका है एज फार एज द डेली चार्ट इज कंसर्न्ड। सो इस एरिया पे क्या रेजिस्टेंस लेके सेंटर बैंड में रेजिस्टेंस लेके फिर बाउंस नीचे की तरफ आते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे मींस प्राइस को स्टेबलाइज होने देना है, मींस उस सिग्नल्स फॉर एट द मोमेंट द क्लैरिटी इज मिसिंग, सो वी नीड टू वेट फॉर बेटर विजिबिलिटी। डॉलर रुपए साइडवेज कंसोलिडेशन जारी है 83.34, तो नथिंग न्यू, लेट इट टू कंसोलिडेट हियर। जीबीपी डॉलर 1.2609। ये कल के दिन आपका जो हमारा 1 दिसंबर का लो था उस लो के नीचे क्लोज दिया हुआ है। अभी हमें थोड़ा सेलिंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकते हैं फॉर ए टारगेट टुवर्ड्स 1.25 1.25 10। जीबीपी आईएनआर में भी ये जो आपका 1 दिसंबर का लो था उसके लो के नीचे एक स्ट्रॉन्ग क्लोज दिया है एंड यहाँ पे हमें थोड़ा सा सेलिंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढना है। ओनली कंसर्न इज आरएसआई एट 40, आरएसआई एट 60, करंटली 61.20। सो ऐसा ना हो कि ये यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर चला जाए। सो यहाँ पे सेलिंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढेंगे तो विथ स्ट्रिक स्टॉप लॉसेस। यूरो डॉलर 1.0796, कल एक अच्छा खासा सेलिंग स्प्रे देखा गया है, करेंटली एट 1.0796। यहाँ पे और फर्दर रूम है फॉर सेलिंग अपॉर्चुनिटीज 1.074050 लेवल पे आने के बाद हमें देखना है कि यहाँ पे कुछ बाउंस बैक का अपॉर्चुनिटी मिलता है या नहीं। यूरो आईएनएन में भी कल एक अच्छा खासा सेलिंग देखा गया है एंड जो हमारा इमीडिएट सपोर्ट लेवल था उस सपोर्ट लेवल को ब्रेक डाउन करके नीचे की तरफ आया हुआ है। दैट बीइंग द केस हमारा जो एक्सपेक्टेशन है 89.10 का आने वाले दिनों में यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो सेलेप्टिक्स में भी कंसीडर्ड है डॉलर येन यहाँ पे जो आपका वीकली ट्रेंड लाइन सपोर्ट है उसको ब्रेक डाउन कर नहीं पा रहा है, रदर कंसोलिडेट कर रहा है यहाँ पे। सो यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद एक प्राइस एक्शन का जरूरी है, प्राइस एक्शन बिल्ड होने के बाद ही हम ये सोच पाएंगे कि ये यहाँ पे से रिस्पेक्ट कर रहा है या नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर रहा है। येन आईएनआर आपका जो है 56.56, ये भी आपका ऊपर की तरफ प्राइस रिजेक्शंस होके अभी थोड़ा सेलिंग अपॉर्चुनिटीज दिख रहा है। सो यहाँ पे विजिबिलिटी का थोड़ा मिसिंग है, सो हमें थोड़ा प्राइस एक्शन का क्लैरिटी चाहिए फॉर डिसाइडिंग टू मूव हायर और लोअर। डॉलर कैंडी यहाँ पे आपका 1.3571 है, कल आपका एक बाउंस बैक करने के बाद अभी स्टैंड स्टिल है। यहाँ पे एक सेलिंग अपॉर्चुनिटीज हो सकते हैं, उसका मेन रीजन क्या है, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस जोन, तो हमें देखना है कि इस रेजिस्टेंस जोन के नीचे क्लोज होता है। इन सच केस एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी हम देखते हैं $0.6592, ये अच्छा खासा मीन्स सेंटर बैंड में आके बाउंस बैक कर रहा है। कल भी एक अच्छा खासा सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखा था, आज के दिन में मीन्स मॉर्निंग मार्केट में एशियन मार्केट में ये सेंटर बैंड से सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है। देयर आर हायर पॉसिबिलिटीज कि ये ड्यूअल पीरियड बोलिंजर बैंड का कैंडिडेट है एंड हायर पॉसिबिलिटीज पहले ये 0.6685 की तरफ जाएगा, देन हमारा जो डिजायर्ड टारगेट है 6720 एंड 68 के आसपास जाने का प्रोबेबिलिटीज है। डॉलर सेन 7.16, ये यहाँ पे कंसोलिडेट करने के बाद ऊपर की तरफ जा रहा है। सो ये कंसोलिडेशन का और ऊपर के जाने का मतलब यही है कि प्राइस एक्शन सभी ऊपर की तरफ जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। ब्रेंट क्रूड 78.03, ये अच्छा खासा सेलिंग दिख रहा है, ये जो सपोर्ट लेवल था उसको तोड़ के नीचे आ चुका है। दैट मींस कि सेल अप करना चाहिए फॉर 75-76 की तरफ। यूएस 10 रेट 4.19, ये भी अच्छा खासा कल के दिन एक सेलिंग देखा गया है, आज थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है लेकिन हमारा जो मेजर सपोर्ट हो सकता है 4.06 और 4.09 के बीच। यूएस 2 ईयर ट्रेजरी 4.605, यहाँ पर भी कल के दिन एक सेलिंग देखा गया, ये आपका सपोर्ट लेवल था उसके आसपास ही कंसोलिडेट कर रहा है। एक बार इस जोन को निकलने दीजिए, उसके बाद फर्दर एक क्लैरिटी मिलेगा। सो
At the moment, visibility is not clear as far as the different currency pairs are concerned. We need to wait for some clarity. So, currency pre market analysis अभी के लिए इतना ही. आशा करते हैं presentation आपको अच्छा लगा होगा. So, like कीजिए, comment कीजिए, share कीजिए, and also those who have not subscribed, request all to subscribe. Thank you.